6 दिसंबर 2022 को गूगल ने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया और इस अपडेट के बारे में बताया, जिसका नाम है हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। इसे आप दिसंबर 2022 हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के नाम से भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस अपडेट में गूगल ने क्या क्या बताया है, वह पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हालांकि हेल्पफुल कंटेंट अपडेट दोस्तों पहले भी आ चुका है, लेकिन इस अपडेट में तो धमाली मचा दिया है गूगल ने। जब आप इस अपडेट के बारे में जान जाओगे तो आप दरअसल आपको बता दूं, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट जिसने बहुत लोगों की बाट लगा दी, लेकिन यह बहुत उपयोगी भी है, क्योंकि इस अपडेट में गूगल ने बेहतरीन तरीके से सब कुछ बताया है कि गूगल का जो सिस्टम है, जो आपके पेज को रैंक करता है, वह सिस्टम किस तरीके से काम करता है। अगर आप उस तरीके पर ध्यान दोगे तो आपके आर्टिकल भी गूगल में रैंक होने लग जाएंगे। तो वह पूरे सिस्टम आज आपको बताने वाला हूं। और दूसरी बात यह भी बोली है गूगल ने कि आप इस अपडेट से अपनी सामग्री को बेहतर बना सकेंगे, इसीलिए ही यह अपडेट निकाला है। दरअसल गूगल ने अपना एक ऑटोमेटिक रैंकिंग सिस्टम चलाया है, जो कि आपके कंटेंट की निगरानी रखेगा, यानी कि वह ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसका नाम है ऑटोमेटिक रैंकिंग सिस्टम, जो कि आपके कंटेंट पर कुल मिलाकर यह है कि गूगल पर जो कुछ भी अपलोड हो रहा है उस पर ध्यान रखेगा। तो दोस्तों, इसमें सीधी बात यह बोली है कि आप अपनी सामग्री को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अगर आपको अपने आर्टिकल में किसी प्रकार की कोई गलती दिखाई देती है या गलत चीज आप लिखते हो, तो उसमें सुधार करो ताकि वह अच्छा प्रदर्शन कर सके। गूगल ने यह भी बोला है कि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं, वह लोगों के लिए उपयोगी होना चाहिए, जो आगंतुक हैं, जो आ रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं दोस्तों, उनके लिए आपका कंटेंट उपयोगी होना चाहिए, तो आपका कंटेंट गूगल में अच्छा प्रदर्शन करेगा और रैंकिंग भी बनी रहेगी। और हो सके तो आप ऐसा कंटेंट लिखने की कोशिश करो जो कि लोगों के लिए उपयोगी रहे, मूल्यवान सामग्री लिखनी है। गूगल ने यह भी बोला है कि गूगल का जो ऑटोमेटिक रैंकिंग सिस्टम है, वह पूरे गूगल पर या आपके ब्लॉग पर यह जांचेगा कि भाई आपकी कम मूल्यवान सामग्री कौन सी है, यानी कि आपने अगर ऐसी सामग्री लिखी है जो कि मूल्यवान नहीं है, अनुपयोगी है, तो दोस्तों गूगल का ऑटोमेटिक रैंकिंग सिस्टम तुरंत पता लगा लेगा, जिससे आपको अपने ब्लॉग में ट्रैफिक में गिरावट देखने को मिलेगी। और इस वजह से गूगल ने एक बात और बोली है, वह बात है कि अगर आपके ब्लॉग में दो तरह की सामग्री है, यानी कि उपयोगी सामग्री और अनुपयोगी सामग्री, तो हो सके तो या तो आप अपनी अनुपयोगी सामग्री में सुधार करो और उसे उपयोगी बनाओ। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी अनुपयोगी सामग्री को हटा दो, ताकि आपके ब्लॉग में जो उपयोगी सामग्री है वह अच्छा प्रदर्शन कर सके, रैंक हो सके। तो यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि आपको अपनी साइट से कचरे को हटाना है। हो सके तो आप अपने ब्लॉग में अच्छा अच्छा कंटेंट पब्लिश करो। इस अपडेट में एक सबसे बड़ी जानकारी दी गई है कि जिनके ब्लॉग में सबसे अधिक मात्रा में अनुपयोगी सामग्री है, तो उन्हें अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक में गिरावट बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। तो यह भी बात आपके लिए बहुत ही जरूरी थी। अगर इस अपडेट में बोला जाए तो गूगल ने मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ इस अपडेट में ही भर दिया। आज से लगभग 8 से 10 साल पहले जो अपडेट आए, वो भी इसी अपडेट के अंदर भर दिए। तो दोस्तों, ऐसा क्या कर दिया गूगल ने इस अपडेट में, वह भी बताता हूं। अब दोस्तों, गूगल ने यह बताया है कि गूगल का जो ऑटोमेटिक रैंकिंग सिस्टम है, वह किस तरीके से काम करता है। गूगल ने इस हेल्पफुल कंटेंट अपडेट में अपने पूरे सिस्टम को बताया है कि किस तरीके से गूगल का एक एक सिस्टम आपके आर्टिकल को रैंक करने में मदद करता है,
और अगर आपका आर्टिकल सही तरीके से नहीं हुआ यानी गलत हुआ, कॉपी पेस्ट हुआ, तो किस तरीके से काम करता है। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज के अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले गूगल ने उस चीज के बारे में बताया है जैसे कि संकट से संबंधित जानकारियां, कि गूगल संकट से संबंधित जानकारियों को किस तरीके से प्रदर्शित करता है, जैसे कि भूकंप का आना या फिर किसी प्रकार की आपदाएं या किसी प्रकार का संकट हो सकता है। तो दोस्तों उसके बारे में गूगल ने यह बताया कि हम किस तरीके से गूगल में इन चीजों को दिखाते हैं। एप्लीकेशन सिस्टम, दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं उनके बारे में गूगल ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर आपकी सामग्री कॉपी की गई है किसी दूसरे आर्टिकल से तो आपका आर्टिकल उसकी अपेक्षा कभी उससे आगे नहीं निकल पाएगा। सीधे सीधे शब्दों में यह कहना है कि अगर कोई आर्टिकल गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक हो रहा है और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके में से कॉपी करके उससे ऊपर आ जाऊं या उसके बराबर मैं रैंक करने लग जाऊं तो यह चीज संभव नहीं है, क्योंकि कॉपी की गई सामग्री दोहराई नहीं जाएगी। इस तरीके से गूगल ने साफ साफ बोल दिया है। तो कृपया करके जो लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वे कॉपी पेस्ट करना बंद कर दें, हो सके तो यूनिक कंटेंट लिखना चालू कर दें। गूगल ने एक चीज अच्छी बताई है कि अगर आपके डोमेन का नाम आपके कंटेंट से संबंधित है या फिर आपके डोमेन के नाम से आपका कंटेंट संबंधित है तो आपके कंटेंट को अच्छा प्रदर्शन मिलेगा। दोस्तों गूगल ने प्रेस कंटेंट के बारे में भी बताया है, यानी कि प्रेस कंटेंट का मतलब यह है एकदम ताजा सामग्री, अपने ब्लॉग में ताजी सामग्री पब्लिश करना। दोस्तों इसको बेहतर तरीके से बताया है गूगल ने कि अगर आप अपने ब्लॉग में ताजी सामग्री पब्लिश करते हो तो आपका वह कंटेंट अच्छा प्रदर्शन करेगा। ताजी सामग्री पब्लिश करो जो कि करंट की हो, ट्रेंडिंग हो, यानी कि गूगल ने सीधा सीधा ना बोलकर घुमाकर बोला है कि भाई ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करो जिससे आपको अच्छी रैंकिंग मिलेगी, आपका जो कंटेंट है वह अच्छा प्रदर्शन कर सके। यानी कि उसने एक उदाहरण भी दिया है भाई कि जैसे कि कोई न्यू मूवी रिलीज हुई है तो सभी लोग उत्सुक रहते हैं उस मूवीज के बारे में जानने के लिए, तो जो शख्स उसके बारे में सबसे पहले कंटेंट लिखता है तो वह सामग्री सबसे पहले शो होने लग जाती है गूगल के फर्स्ट पेज पर, फर्स्ट नंबर पर। सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि भाई गरम गरम खाना खा लो, ठंडा होने का इंतजार मत करो। यानी कि कोई कंटेंट अगर ताजा है, अभी ट्रेंडिंग चल रहा है तो उस पर आप लिखने की कोशिश करो, यानी कि अगर वह पुराना कंटेंट हो गया तो उसी प्रकार से रैंक करेगा। गूगल ने हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम के बारे में भी बताया है, यानी कि जिस नाम से यह अपडेट निकाला है उसके बारे में बताया है, उसके बारे में यह बताया है कि आप ओरिजिनल कंटेंट लिखो और हेल्पफुल जानकारी दो जो कि लोगों के लिए उपयोगी रहे। ओरिजिनल कंटेंट सिस्टम के बारे में भी गूगल ने बताया कि भाई जैसे कि किसी ब्लॉग में कंटेंट है, अब उसी कंटेंट को अलग अलग क्षेत्रों में कोई व्यक्ति दर्शाना चाहता है, अलग अलग भाषा में, अलग अलग क्षेत्रों में, कंटेंट एक ही है लेकिन जो ओरिजिनल कंटेंट है वह उसके ब्लॉग में है, लेकिन उसी ओरिजिनल कंटेंट को वह अलग अलग क्षेत्रों में दर्शा रहा है। तो इसके बारे में भी गूगल ने बताया है कि यह चीज किस तरीके से काम करती है। इस अपडेट में उस चीज के बारे में भी बताया कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आपके कंटेंट को चोरी कर रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा है, तो आप उसके कंटेंट को रिमूव करा सकते हैं। तो इस बारे में अभी बेहतरीन जानकारी दी है। गूगल ने पेज एक्सपीरियंस सिस्टम के बारे में भी बताया है कि आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड बरकरार रखनी पड़ेगी वरना आपको रैंकिंग में फर्क पड़ सकता है। दूसरी चीज कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए और इस प्रकार से गूगल ने इस बारे में जानकारी दी है। गूगल ने स्पैम साइट के बारे में भी बोला है कि अगर आपकी साइट में स्पैमिंग ज्यादा हो रही है, स्पैम ज्यादा है, आपको अपने ब्लॉग का जो स्पैम स्कोर है वह मेंटेन करके रखना पड़ेगा। गूगल ने मोबाइल फ्रेंडली रैंकिंग सिस्टम के बारे में भी बताया है। अगर आप इस अपडेट को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं
तो आप गूगल के इस अपडेट को पढ़ सकते हैं। लेकिन जो जरूरी चीज थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। आशा करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हालांकि अच्छी नहीं लगी हुई बहुत लोगों को, क्योंकि जिनका साइट का ट्रैफिक डाउन हो गया होगा तो उनको यह अच्छी क्यों लगेगी। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स जरूर करना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।